नमस्कार, सुप्रभात, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं कानूनी सुनिश्चित, मैं हूं आपके साथ कल्पेश और वक्त हो चुका है दिन भर की बढ़िया ताजा खबरों से रूबरू होने का। शुरुआत करेंगे सुर्खियों के साथ, तो आज की बड़ी खबर निकल कर आ रही है। बिहार शरीफ जिला परिषद ऑफिस में झंडा तोलन किया। जिला परिषद अध्यक्ष पिंकी देवी साथ में शैलन महतो और उनकी पत्नी जिला परिषद सदस्य सिलाव उत्तरी नविता सिन्हा भी मौजूद रहे। गणतंत्र दिवस की कानूनी जंग न्यूज की तरफ से नालंदा जिले वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। 74वीं गणतंत्र दिवस के अवसर पर आदर्श विद्या भारती में विद्यालय के प्राचार्य संजीव कुमार के द्वारा झंडोत्तोलन किया गया। राजगृह के लिए एक बहुत ही सुंदर कार्य। 70 के दशक में निर्मित सार्वजनिक शौचालय जो ध्वस्त हो रहा था, कूड़ा कचरा का अंबार लगा रहता था, उसे चकाचक कर दिया गया है। राजगीर 9 युवक दल के द्वारा राजगीर शहर के सभी युवाओं को प्रेरणा लेनी होगी इस तरह के कार्यों से। सरकारी संपत्ति मेरी संपत्ति है, ये सोचना होगा। सार्वजनिक शौचालय के उद्घाटन समारोह में शामिल हुई सामाजिक कार्यकर्ता अनीता कुमारी गुप्ता। बिहार शरीफ के आदर्श इंटरनेशनल स्कूल द्वारा आयोजित सरस्वती पूजा के कार्यक्रम में पहुंचकर जदयू के राष्ट्रीय महासचिव इंजीनियर सुनील कुमार ने प्रसाद ग्रहण किया और सभी को शुभकामनाएं दी। 7 साल के बच्चे पवन राजा का एल्बम हुआ जारी, यह वही बच्चा है जो आजकल काफी वायरल हो रहा है। 74वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर जदयू नेता भवानी सिंह ने बिहार शरीफ के लोगों को शुभकामनाएं दी। ब्यूरो चीफ कमलकांत सिन्हा और नालंदा संवाददाता धर्मवीर कुमार की खास रिपोर्ट।